बड़ी खबर, बाहुबली मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से लाने के लिए यूपी पुलिस की टीम पंजाब के लिए रवाना हो गई है और पुलिस के जवानों के साथ ही एक बटालियन पीएसी की भी रोपड़ के लिए रवाना हुई है। पूरे मिशन को लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा बरती जा रही है काफी गोपनीयता और आज सुबह पंजाब के लिए रवाना हुई है ये टीम। इस बीच कल ढाबे से वो एम्बुलेंस मिली थी जिस एम्बुलेंस को लेकर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये वही एम्बुलेंस है। रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट तक इसी एम्बुलेंस के जरिए गए थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, पंजाब सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि मुख्तार अंसारी को हिरासत में लिया जा सकता है रोपड़ आकर, और इसीलिए अब उत्तर प्रदेश से टीम रवाना हो गई है। तो रोपड़ जेल में बंद है बाहुबली मुख्तार अंसारी। आरोप लगातार लग रहे थे कि कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है पंजाब पुलिस का। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या अपडेट मिल पा रहा है समर्थ? देखिए कल तक काफी चीजें थी कि कौन सी टीम इनको लेने जाएगी, एसटीएफ जाएगी, कौन सी टीम जाएगी, पर ये लेट नाइट मीटिंग जब हुई एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश की, तो उसमें डिसाइड हुआ कि कौन सी टीम जाएगी और एक 30 मेंबर टीम जो है यूपी पुलिस की वो जाएगी। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस बार जीपीएस इनेबल्ड वज्र वाहन जाएगा, इसमें मुख्तार अंसारी को बैठा कर लाया जाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें एक एम्बुलेंस भी साथ में जानी है पूरी टीम के साथ, और ये पूरी जो टीम होगी एक तरह से डिप्यूटी एसपी रैंक के ऑफिसर जो है वज्र वाहन रैंक से लेकर इन 30 ऑफिसर्स को जो है हेड करेंगे। हाई लेवल मीटिंग कल इसको लेकर चली थी काफी लंबी, काफी देर रात तक, ये 11 बजे तक यूपी पुलिस की हाई लेवल मीटिंग चली जिसमें डिसाइड किया गया कि कौन सा मेंबर्स होंगे, क्योंकि सारे ऑफिसर्स इनको जो लेने हैं काफी तेज स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स लेने हैं जो मुख्तार अंसारी को लेकर आएंगे, क्योंकि रास्ते में खतरा भी हो सकता है। इसको देखते हुए वज्र वाहन का यूज किया गया और जीपीएस इनेबल्ड है, जिससे की लोकेशन लगातार मुख्तार अंसारी की ट्रैक होती जाएगी जिस तरह से वो आएंगे। और अभी फिलहाल सूत्रों की माने तो यूपी पुलिस की टीम जो है वो पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है। कल तक कवायद थी कि वो अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल इस मसले को लेकर बहुत क्लियरली बता नहीं रहा कि वो नहीं चाहते हैं शायद कि वो मीडिया उनका पीछा करे या कोई भी इस तरह की दिक्कत रूट में आए, बट जो ओवरऑल अपडेट यहाँ से ये है कि सूत्रों के मुताबिक टीम पुलिस टीम यहाँ से निकल चुकी है और वज्र वाहन के साथ निकले, मुख्तार अंसारी को वज्र वाहन में ही बैठाकर लाने की पूरे चांसेस, और मेडिकल कंडीशन की जो पंजाब सरकार ने अपने लेटर में बात करी थी उसको देखते हुए यूपी सरकार साथ में एक एम्बुलेंस भी भेज रही है पुलिस टीम की इनकेस कुछ मेडिकल कंडीशन बिगड़ती है मुख्तार की। जी